हेलो हाय नमस्कार और पहला मैं भूमि स्वागत करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेज कुमावनी ब्लॉग में। तो आज है सावन महीने का दूसरा सोमवार और आज मेरा व्रत है, तो मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने और सफाई भी करने। तो पहले सफाई करती हूँ फिर पूजा करूँगी। अभी पहले मैं अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही हूँ, उसके बाद शिवालय जाएंगे, अपने गाँव के शिवालय में जाएंगे, तो वहाँ शिवालय भी आपको दिखाऊँगी आज। तो चलती हूँ मैं छत में, और हमारा मंदिर ऊपर ही है छत पे, तो वहीं जा रही हूँ। हमारे घर की सबसे ऊपर वाली छत है, यहाँ से हमारे गांव का व्यू कैसा आता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइज मैं यहाँ मंदिर में पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे शिवालय में, आपको वहीं का पूजा पाठ दिखाएंगे। इसको तो नहीं लगा देना अभी। सो हमने कर ली है पूजा पाठ, अब जाते हैं नीचे, उसके बाद जाएंगे शिवालय को। थोड़ा मम्मी से पूछती हूँ क्या क्या ले जाने। तो हम लोग पहुँच गए मंदिर में, अब जाते हैं नदी में थोड़ा पानी लेके आते हैं। पानी बहुत तेज है। पहले हम नदी की पूजा करेंगे फिर जाएंगे ऊपर। तो हम पहले जाएंगे दिया, क्योंकि हमसे पहले कोई नहीं आए हैं यहाँ, गांव में कम ही लोग रहते हैं, तो अभी आएंगे वो। हम पहले आ गए, फिर इनको दुकान में जाना होता है भराड़ी, तो हमने सोचा पहले चले जाते हैं ना।
तो हमने नीचे वाले मंदिर में पानी चढ़ाया, क्योंकि ये मेन वाले मंदिर में चाबी लगी हुई है, क्योंकि कम ही लोग आते हैं ना यहाँ, अभी टाइम भी नहीं हुआ, पंडित जी भी नहीं आए होंगे, तभी यहाँ चाबी लगी हुई है, तो हमने नीचे चढ़ा लिया। नीचे भी शिवालय था, मतलब शिवलिंग थी। अब यहाँ पे दिया बत्ती करते हैं, फिर चलते हैं। चलते हैं, हमने कर लिया पूजा पाठ, तो गाइस चलते हैं अब घर को, क्योंकि अभी इनको दुकान भी जाना है, भराड़ी जाना है। तभी फिर नाश्ता भी करोगे ना? हाँ फिर, हाँ मेरा व्रत है, ये नाश्ता करेंगे, मैं चाय पीऊँगी, चाय बनाऊँगी इनके लिए, ठीक। और हाँ एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना है, भूल गई, कल रात मैंने लगाई थी मेहंदी, तो यह है मेरी मेहंदी, इस हाथ में इन्होंने लगाई, अपना नाम लिखाता ये है, और ये भी इन्होंने लगाया, और ये इस हाथ का मैंने ही लगा सारा। तो कैसी लग रही मेरी मेहंदी की डिज़ाइन, ज़रूर बताना। तो गाइस घर पहुंच गए हैं, तो अब इनके लिए नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि ये लोग दुकान पे जाएंगे, तो मैं ले जा रही हूँ मैगी मम्मी की दुकान से। तो गाइस मैं चलता हूँ दुकान में, और भूमि है घर में, बिकॉज भाभी गई है अपने मायके, तो मैं सीधा आपको मिलता हूँ शाम को, बिकॉज रोड वगैरह रास्ता रोज दिखाते रहता हूँ, और दुकान भी दिखाई है, तो मैं सीधा शाम को मिलूंगा आपको अब। सो गाइस शाम हो चुकी है, और ये आ चुके हैं घर, और मैं बना रही हूँ खाना। आज मेरा व्रत था, तो मैं जल्दी आटा गूंथ रही हूँ, सब्जी मैंने रख दी, उसके बाद भोग बनाएंगे, खीर बनाएंगे, भगवान जी को चढ़ाएंगे। तो मैंने आटा गूंथ दिया है, अब बना रही हूँ मैं सेवैयाँ। सब्जी मेरी बन गई है, आलू चना देखती हूँ पकी की नहीं पकी। सब्जी भी मेरी पक गई है, ये आलू चना। तो गाइस मैं आजकल डेली के डेली किचन का ही दिखा रही हूँ, क्योंकि और तो कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं घर पे ही हूँ, तो थोड़ा बहुत खाने की रेसिपी भी बना दे रही हूँ, तो वो भी देख लो आप लोग मैं कैसे खाना बनाती हूँ तभी। और अकेले भी हूँ आजकल, तो सोचती हूँ कि अकेले मैं खाना बनाते बनाते ब्लॉग भी बना लूँ। बना रही हूँ सेवैयाँ की खीर, पहले मैंने घी डाल दिया कढ़ाई में, और दूध में उबाल के रख दिया था पहले ही, और ये है मेरे ड्राई फ्रूट्स जिनको मैं अभी इसमें डालूँगी, थोड़ा गर्म होने देते हैं घी को, फिर इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट, थोड़ा थोड़ा भून लेंगे इनको। जो फूल के फिर से अंगूर बन गए हैं इतने बड़े हो गए, मूंगफली जैसे लग रहे। अब मैं इसमें सेवैयाँ डालती हूँ, काजू नहीं किशमिश फूल हैं, किशमिश सॉरी। तो मैंने सेवैयाँ हल्की सी भूनूंगी मैं, ज़्यादा नहीं। अब मैं डाल रही हूँ दूध, अब इसको रख देती हूँ पकने के लिए, चीनी अभी नहीं डालूंगी, जब थोड़ा थोड़ा पक जाएगा ये तब डालूंगी, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ। तो आज मेरे साथ एक चीज़ और हुई है, आज मुझे काटा है मधुमक्खी ने, ये मेरा हाथ पूरा सूजा है, चूड़ी भी टाइट हो रखी है, ऊपर नीचे नहीं जा रहे, कभी कभी दर्द भी हो रहा है काम वाम करने में, बट थोड़ा काम करूँगी तो ये शायद जो ब्लड होता है ना ये फट जाएगा बोलते हैं, तो तभी मैं काम कर रही हूँ, वरना बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ पूरा लाल हो रहा है, ये देखो मेरे हाथों में अंतर। अब मैं फटाफट से रोटी बनाती हूँ, फिर पूजा करूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे।
पूजा करने और दद्दा बना रहे रोटी। क्या बना रहे हो? अबे बंदी। तो मैं ले जा रही हूँ, ये है लड्डू, खीर, ड्राई फ्रूट, ये वाला मिठाई, पता नहीं इसका नाम मुझे नहीं पता, और ये मेरे चने। तो हम ले जाते हैं भगवान जी के लिए, शिव जी के लिए। यहाँ पे डाल दिया दियो में तेल। और ये है मेरी बुढ़ी सास, बुढ़ी सास की सास, मतलब जो मेरी अम्मा है उनकी सास है। और ये ननिहाल के दादाजी, नाना जी हैं, मतलब इनके नाना जी हैं। तो मैं सारे दियो में तेल डालती हूँ, फिर बाती बनाऊंगी। एक दिया मेरा सुबह से जला हुआ है, ये वाला दिया मैंने सुबह जलाया था, अभी तक जला हुआ है। हाँ, तो मैं इसी में तेल डाल देती हूँ। और ना हाँ कैसे रह गया होगा, रहता होगा ना, प्रदान दिया है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, आज सुबह मैंने एक लोटा पानी डाला था परात में, मतलब शिव जी के ऊपर चढ़ाया था, तो अभी बिल्कुल पानी नहीं है और ना जमीन में गिरा है ना कहीं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ गया। अभी भी चढ़ाती, पूजा पाठ हो गई है, अब खाते हैं खाना और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जल्द मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।